हेलो फ्रेंड्स, यूएस अली किचन में आज हम देखेंगे बैंगन की एकदम नई और इजी रेसिपी, जिसे देखते ही आप भी बनाओगे। चलिए देखते हैं इसकी झटपट से बनने वाली क्रिस्पी करारी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या दिव्या स्टाइल बनाने वाली हूँ। आज मैं अब इस तरह से हमें दो बैंगन लेना है। आप फैमिली मेंबर के हिसाब से आप बैंगन लीजिए, और मार्केट में बारिश के मौसम में बहुत ही इजीली ऐसे बैंगन हमें मिल जाते हैं। अब इसके छिलके जो है उसे हमें उतार लेना है, और डंठल को काटना नहीं है, डंठल को ऐसे ही रखना है। डंठल के नीचे से हमें स्किन को उतार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को हमने पूरी तरह से इसके छिलके जो है वो निकाल लिए हैं। अब इसे हमें कट लगाना है इस तरह से, जैसे हम पोटैटो फ्राइज बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे कट लगाना है। अब बीच में से और यहाँ पर एक बैंगन में आप इस तरह से तीन चार लेयर ऐसे इस तरह से बना सकते हो। अब इसे भी इसी तरह देखिए, इस तरह से ये फूल की तरह फ्लावर होता है, उस तरह से इसे हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, बैंगन को हमने अच्छे से कट लगा लिया है। अब हमें एक बाउल लेना है, जिसमें हमें आधा बाउल जितना पानी लेना है। अब इसमें एक चम्मच नमक को डाल देना है। नमक को डालने के बाद हमने जो बैंगन को कट लगाया हुआ है इसे पानी के अंदर इस तरह से डुबो कर रखना है, जिससे इसका जो कालापन है वो निकल जाएगा और हमारे बैंगन काले भी नहीं होंगे, और थोड़े से ये पानी में रहने से हार्ड बनेंगे, जिसे हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होंगे। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से कटोरी वजन वाली रख देनी है, जिससे ये पूरी तरह पानी में डूबे रहेंगे। 5 मिनट इसे हमें ऐसे ही रख देना है। अब बैंगन को लगने वाला मसाले का घोल बना लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल लेना है। एक छोटा चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डाल देना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी पाउडर को डाल देना है। एक छोटा चम्मच सब्जी का गरम मसाला है, इसे ऐड कर देना है। आधा छोटा चम्मच हमने घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसे भी ऐड कर देना है। अब एक छोटा चम्मच हमें ग्रीन मसाला ऐड करना है, जिसमें अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट है, इसे भी इसके अंदर ऐड करना है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हमें एक बड़ा चम्मच मैदा को ऐड करना है। मैदा के बाद हमें इसमें एक चम्मच कॉर्नस्टार्च को ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर होता है उसे, जिससे हम फ्राई करते हैं तो ये क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमें अच्छे से घोल बना लेना है। घोल हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम थिक होना चाहिए। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक को भी मिला लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें जो बैंगन को हमने पानी में सोख के लिए रखा था उसे निकाल लेंगे। अब बैंगन को हमें पानी में से निकाल लेना है। इस तरह से इसे निचोड़ लेना है, इसका पानी जो है इस तरह से हमें प्रेस करते हुए पानी को निकाल लेना है। अब इस घोल में हमें बैंगन को इस तरह से सारी ओर से कोट कर लेना है। अब इसके ऊपर स्पून से इस तरह से डालकर इसे पूरी तरह से हमें कोट कर लेना है। इसके जो लेयर्स हैं, सारी लेयर्स को हमारा ये बैटर है इस तरह से अंदर तक जाना चाहिए। आप देख सकते हो बैटर किस तरह से बना हुआ है।
एकदम से पतला घोल होता है तो वो तुरंत इसके ऊपर जो मसाला होता है वो लगता नहीं और तुरंत छोड़ देता है। अब एक बैंगन को हमने अच्छे से इस घोल में हमने कोटिंग कर लिया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स को लेना है और इसके अंदर हमें हमारा जो घोल में डुबाया हुआ बैंगन है उसे ब्रेड क्रम से हमें अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे हम फ्राई करेंगे तो सारी लेयर्स खुली खुली फ्राई होगी। इसी तरह हम दूसरे बैंगन को भी कोट कर लेंगे। अब बैंगन हमारा फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमें कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। तेल एकदम से गरम होगा तभी इसमें हमें बैंगन को डाल देना है, जिससे ये कुरकुरे फ्राई होंगे। अगर तेल गरम नहीं होगा और ऐसे ही हम डाल देंगे तो फिर हमारा बैंगन जो है वो नरम हो जाएगा और फ्राई होने के बाद ये चिपचिपा भी लगेगा। आप देख सकते हो तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हमें बैंगन को इस तरह से डाल देना है। एक ओर से हमारा बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए अब इसे हमें टर्न कर लेना है। पाँच मिनट में हमारा बैंगन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है। इसी तरह दूसरे बैंगन को भी फ्राई कर लेना है। अब रेडी है हमारे करारे और क्रिस्पी बैंगन। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ से आप देख सकते हो ये कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपके क्रिस्पी बैंगन करारे कैसे बने हैं।